श्री गणेश दोस्तों, गणपति का पावन पर्व गणेश चतुर्थी बस आने को है और पूरा शहर, यहाँ तक कि मेरी सोसाइटी, घर सब स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं बप्पा के। और पुणे का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर यानी कि श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर, हर बार की तरह मैं विजिट करने जा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि आप भी अगर पुणे में रहते हैं या पुणे आने वाले हैं तो बप्पा का आशीर्वाद लेने वहाँ तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि श्रीमंत दगड़ू सेठ मंदिर का नाम ऐसा क्यों है? बप्पा के 108 नामों में ये नाम तो कहीं भी नहीं है। इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। तो आज के एपिसोड में हम दर्शन करेंगे श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर का और साथ में जानेंगे मंदिर से जुड़ी हुई कहानी। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, चलिए अपने सफर को शुरू करते हैं। श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणेश मंडल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको दगड़ू सेठ हलवाई जी के बारे में जानना होगा। वह एक शानदार स्वीट मेकर या मैं कहूं हलवाई थे, जो अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मीबाई जी के साथ पुणे में व्यापार के सिलसिले में आए और यहीं के होकर रह गए। कई लोगों का मानना है कि वह उत्तर प्रदेश से आए थे, तो वहीं कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो कर्नाटका से आए थे। जो कुछ भी हो, पुणे में वह एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनकी मिठाइयों की महत्वता तथा व्यापार को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नगर सेठ की उपाधि से नवाजा था। बात है सन 1893 ईस्वी की। श्री लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी के आवाहन पर पुणे में 5 मानाचा गणपति का स्थापना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दगड़ू सेठ हलवाई जी ने भी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली गणपति की मूर्ति की स्थापना की, जिसका निर्माण श्री नायक जी ने किया था, जो बाद में दगड़ू सेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट का सिंबल भी बना। 3 वर्ष पश्चात सन 1896 ईस्वी में पुणे शहर प्लेग नाम की महामारी से जूझ रहा था। इस भयानक आपदा में दगड़ू सेठ हलवाई जी ने अपने इकलौते पुत्र को खो दिया और उसके कुछ ही समय पश्चात वह भी पंचतत्व में विलीन हो गए और पीछे छोड़ गए अपनी पत्नी तथा धन और ऐश्वर्य को। पत्नी लक्ष्मीबाई पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपनी व्यथा व्यक्त करने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री माधवनाथ महाराज जी के समकक्ष प्रस्तुत हुई। गुरु जी ने उनके दुख को समझा और मार्गदर्शन करते हुए उनके घर में श्री दत्त मंदिर बनाने की सलाह दी और साथ ही भगवान गणेश को अपने पुत्र रूप में स्वीकार करने को भी कहा। माता लक्ष्मीबाई जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। श्री दत्त भगवान मंदिर का निर्माण उन्होंने घर पर करवाया तथा भगवान गणेश का एक सुंदर मंदिर स्थापित किया। क्योंकि भगवान गणेश को उन्होंने पुत्र रूप में स्वीकार किया था और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पिता का उपनाम यानी कि सरनेम बेटे को मिलता है, इसीलिए मंदिर का नाम श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई पड़ा। दगड़ू सेठ हलवाई भगवान गणेश का सरनेम यानी उपनाम है। सामने जो दत्त मंदिर आप देख रहे हैं या वही दत्त मंदिर है जिसका निर्माण माता लक्ष्मीबाई जी ने गुरु जी के आदेश पे किया था। यह घर दगड़ू सेठ हलवाई तथा माता लक्ष्मीबाई जी का है। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और दत्त भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोनों ही मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठान के बाद पास में ही स्थित रोड का नाम उनके नाम पर रखा गया, जिसे आज हम लक्ष्मी रोड कहते हैं, जो पुणे की सबसे फेमस मार्केट है। 1897 ईस्वी में गणेश चतुर्थी के समय मूर्तिकार श्री नायक द्वारा भगवान गणपति की दूसरी प्रतिमा बनकर तैयार हुई। वह गणपति उत्सव के लिए युवाओं के मध्य समर्पित कर दी गई। करीब 75 वर्षों तक
इसी मूर्ति की आराधना होती रही। परंतु अमृत महोत्सव के दौरान भगवान गणेश का एक हाथ गलती से खंडित हो गया, जिसकी वजह से 1968 में पुरानी मूर्ति की तस्वीर प्राप्त करने के पश्चात शंकरप्पा साल्पी, जो अपनी कर्नाटक शैली के कलात्मकता के लिए जाने जाते हैं, उनको नवीन मूर्ति बनाने का भार सौंपा गया। शंकरप्पा ने पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप मूर्ति के पेट में एक गणेश यंत्र शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किए और पुणे में ही मुलामुथा नदी के संगम पर सूर्य ग्रहण के दौरान मूर्ति पर यंत्र रखा। 27 अगस्त 1968 को मूर्ति की गरिमामय एवं वैज्ञानिक रीति से प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसके पश्चात तब से यह बिना विचलन के हिंदू रीति रिवाजों का पालन करता आ रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणपति उत्सव में दगड़ू सेठ हलवाई गणपति की तरफ से एक खूबसूरत पंडाल की स्थापना की जा रही है। इस वर्ष इस पंडाल को हिमाचल के इस प्रसिद्ध जटोली शिव मंदिर का रूप दिया गया है। दगड़ू सेठ गणपति हलवाई मंदिर में दर्शन करना अति सुगम है। आप यहां पर साधारण लाइन से या फिर 100 रुपए देकर VIP लाइन से भी प्रवेश कर सकते हैं। सामान तथा जूते चप्पलों को यहां पर रखने की उत्तम व्यवस्था है। मंदिर के अंदर भगवान की फोटो या वीडियो लेना सख्त मना था, और वो सही भी है, क्योंकि कुछ चीजें इतनी खूबसूरत होती हैं कि उनके साथ आप कैमरे से न्याय नहीं कर सकते हैं। आपको स्वयं वहां आकर वो पॉजिटिव एनर्जी, वो भक्ति, वो सुंदरता महसूस करनी होगी। श्री दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर में वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है। एक मान्यता के अनुसार करीब 1 लाख से भी अधिक भक्त हर वर्ष यहाँ पर बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। भगवान के चमत्कार का कोई सीमा ही नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर छोटे से लेकर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज भी अपने सुख और मंगल की कामना के लिए भगवान के दर्शन को आते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर एक बार भगवान के दर्शन करने यहाँ पर जरूर आते हैं। मंदिर की रिचनेस का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि मंडल ने भगवान गणेश की मूर्ति का 10 मिलियन की राशि का बीमा भी करा रखा है। मंदिर जितना धन और धान्य से परिपूर्ण है, उतना ही समाज के बेहतरी और सुधार के लिए कई कार्य भी करता है, जिनमें जय गणेश रुग्ण सेवा अभियान, पालकत्व योजना, बाल संगोपन, ITI, पिताश्री वृद्धा आश्रम, कुष्ठ रोगी औद्योगिक पूर्वंश, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, पर्यावरण सेवा, अन्य दान सेवा तथा वारकरी सेवा प्रमुख है। कुल मिलाकर श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर के दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी है। तो जब कभी भी आपका ऐसा सुखद अवसर मिले, आपको भगवान के दर्शन जरूर करना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि भगवान गणपति के इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में मुख्य जानकारी आप तक मैं जरूर प्रस्तुत करूं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री गणेश।